यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियां 2020। यूपी में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,000 से ज्यादा भर्तियां निकली हैं। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2020 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की 15,508 वैकेंसी निकाली हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए 12,913 और प्रवक्ता यानी पीजीटी के लिए 2,595 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। टीजीटी और पीजीटी पदों की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होंगी, इसलिए योग्य अभ्यर्थी अपने पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद जबकि प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। जाने टीजीटी पीजीटी भर्तियों से जुड़ी हुई अहम बातें। टीजीटी सवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि एक से अधिक विषयों में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। टीजीटी भर्ती महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। चयन टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। टीजीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होगी। पीजीटी पदों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% अंक इंटरव्यू के आधार पर होंगे। टीजीटी पदों की वैकेंसी डिटेल इस टेबल में दी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में हिंदी की टोटल वैकेंसी 1742 है, गणित की 1822 है, गृह विज्ञान की 610 है, उर्दू की 865 है, इंग्लिश की 1587 है, कला की 710 है, सामाजिक विज्ञान की 1392 है, सिलाई की 19 है, संस्कृत की 938 है, विज्ञान की 1741 है, वाणिज्य की 127 है, कृषि की 184 है, शारीरिक शिक्षा की 497 है, संगीत वादन की 6 है, संगीत गायन की 4 है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जर्नल की 6410 है, ओबीसी की 3174 है, एससी की 1815 है, एसटी की 52 है और टोटल वैकेंसी है 11,451। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में हिंदी की टोटल वैकेंसी 214 है, गणित की 167 है, गृह विज्ञान की 160 है, उर्दू की 12 है, इंग्लिश की 196 है, कला की 103 है, सामाजिक विज्ञान की 186 है, सिलाई की 4 है, संस्कृत की 97 है, विज्ञान की 202 है, वाणिज्य की 8 है, कृषि की 1 है, शारीरिक शिक्षा की 48 है, संगीत वादन की 14 है और संगीत गायन की 50 है। इस तरीके से जर्नल की टोटल वैकेंसी 841 है, ओबीसी की 352 है, एससी की 265 है और एसटी की 4 है और टोटल वैकेंसी है 14,062। भर्तियों की महत्वपूर्ण तिथि भी टीजीटी की महत्वपूर्ण तिथियों के समान है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27
नवंबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। पीजीटी के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए टोटल 750, ईडब्ल्यूएक्स के लिए 450, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडिट कॉलेज में पूर्वत कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दोनों पदों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। वेतनमान टीजीटी शिक्षक वर्ग के लिए 44,900 से 142,400 पे लेबल 7 ग्रेड पे 4600, पीजीटी का वेतनमान 47,600 से 151,100 पे लेबल 8 ग्रेड पे 4800 होगा। परीक्षा केंद्र सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों में ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा सामग्री दी जाएगी। कैसे करें आवेदन, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में फीस का भुगतान होगा और तीसरे चरण में फॉर्म सबमिशन होगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले भरी हुई सूचना का सत्यापन करें। आवेदन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने पर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 0532-24668-51 तथा 8299-32-577-5 पर संपर्क कर सकते हैं।